हाँ तो सेठ जी, आपके कितने पैसे इनको वापस करने हैं? वाह राजा हरिश्चंद्र, ऐसे पूछ रहे हो जैसे मालूम पड़ते ही नोट टेबल पे रख दोगे। अरे वाह, नोट भी असली है। जी मैं तो आप लोगों को जानती नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा नाम रवि है, ये विजय। हम दोनों भाई पास की टेबल पर बैठे थे और जिस तरह से ये सेठ जी आपको धमकियां दे रहे थे हमसे सुना नहीं गया। आप कर्ज उतारने के लिए ये कार बेचने को तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए कार खरीदने को तैयार हैं। I see. सिर्फ आपकी मदद के लिए, वरना हमें इस कार की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमें कोई शौक। वाह भाई वाह। पुष्पा जी, कौन कहता है दुनिया में इंसानियत नहीं है? कितने है भाई? पूरे 30,000। पूरे 30? पूरे ही होंगे, अब तुम कहते हो तो गिन लेता हूँ। आप लोगों ने ये कार खरीदकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखिए, अब शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें, इसमें क्या बात है? आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। गाड़ी की चाबी ये लीजिए। कितना अजीब इत्तेफाक है कि आप लोगों से इस तरह मुलाकात हुई, और मुझे तो लगता है कि भगवान ने आप दोनों को मेरी मदद के लिए ही भेजा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद ही आ गए। और गाड़ी के कागजात? वो आप मेरे घर आके ले लीजिएगा। हाँ। ये रहा मेरा कार्ड। पुष्पा भार्गव जी, मेरा नाम है। बहुत सुंदर नाम है। पूरे 30,000 बेकार गिनवाए, मैं तो पहले ही कह रहा था। आपके पैसे मिल गए? बिल्कुल मिल गए। आइंदा पैसे की जरूरत होवे तो सेठ जी मरा नहीं है, बस हुक्म करना। आप लोग भी मेरा कार्ड रखो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू मिस्टर रवि। मैं जाने से पहले आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा कर दूं, लेकिन एक बात जरूर है, कार में बैठते ही आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। मैं कल सुबह चाय पर आप दोनों का इंतजार करूंगी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। लड़की बहुत स्मार्ट है। लड़की तो स्मार्ट है, लेकिन गाड़ी भी बुरी नहीं है। क्या पिकअप है गाड़ी का, जरा सा एक्सेलेटर दबाया हवा से बातें करने लग जाती है। हवा से बातें करने लगती? क्या बातें करने लगती है? मैंने तो नहीं सुनी। हाँ यार, ऐसा कहते हैं, ये मुहावरा है। और ये सायरन है, ये कर रही है पुलिस हवा से बातें। पता नहीं आज कौन बेचारा फंस रहा है। चलाओ बाहर आओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम तो बड़े आराम से चला रहे थे। मैंने कहा बाहर निकलो। मगर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह है कि ये गाड़ी चुराने के इल्जाम में तुम दोनों गिरफ्तार किए जा रहे हो, समझे? अरे मगर ये गाड़ी पुष्पा भार्गव ने खुद हमें दी है। बकवास बंद करो, ये गाड़ी किसी पुष्पा भार्गव की नहीं है। इसके मालिक का नाम है मानिकलाल मेहता और यह आज सुबह ही चोरी हुई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने तो ये अभी 30,000 रुपए नकद देके खरीदी है। अच्छा, खरीदी है। थाने चलो, इसकी रसीद हम तुम्हें देंगे। सुनो रवि। बोलो विजय। कुछ समझे? लड़की हमें चूना लगा गई। समझा। गाड़ी उसकी नहीं थी। समझा। पुष्पा भार्गव ये नाम भी उसका नहीं हो सकता। समझा। इस वक्त वो आदमी और वो लड़की कहीं बैठे 15,000 बांट रहे होंगे। समझा। और हम दोनों 30,000 गवा के यहां हवालात में बैठे हैं। समझा।
क्या समझे? ये कि यहां से निकलकर अब उनसे समझना है। यहां से कभी ना कभी तो छूटेंगे ही, लेकिन उन्हें ढूंढेंगे कैसे? एक ही आदमी है जो उनका पता लगा सकता है, अब्दुल। यार अब्दुल, अपने को एक छोकरी और उसके साथ एक अधेड़ उम्र के आदमी की तलाश है। वो अपने को शेंडी लगा के यार। नाम वाम तो सही पता नहीं, लेकिन उस आदमी की ठुड्डी में ऐसा ऐसा गड्ढा सा था, और वो लड़की जो थी ना, हाँ, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, गोरे गोरे गाल, और बात तो ऐसे करती थी। मामा छोड़ यार, इस वक्त तुझे लड़की की ब्यूटी याद आ रही है? यहाँ 30,000 का फटका लग गया। 30,000 का? हाँ, वो छोकरी और उसका साथी सारा नाटक जमा कर 30,000 में चोरी की गाड़ी थमा गए अपने को। ये लफड़ा बांद्रा खार के आसपास तो नहीं हुआ था? हाँ, वही तो हुआ था। क्या तुम जानते हो उन दोनों को? ओ भाई, अरे बंद करिए बैंड बाजा, बताओ वो लोग कहाँ मिलेंगे? उनको तो ऐसा मजा चखाना है कि अरे बड़ा भाग आ रहा है यार। ठीक है ठीक है, मैं शाम को मशीन देख रहा है। बड़ू, जानते हो क्या है? हाँ, पब्लिक टेलीफोन है। हाँ, उसमें नंबर लगा लो, लेकिन जब तक उस मशीन में पैसा नहीं डालो ना, आवाज उसी तरफ नहीं जाएगी। तुम लोग क्या पूछ रहे हो? बाप अपने को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये ले। अरे अब क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं जेब में ये अकेला बेचारा किससे बात करेगा। ये ले। लड़की का नाम है रेनू, वो आदमी उसके रिश्ते का चाचा है, अंकल। दोनों मिलकर सलाह बांधने के लिए मैसेज फादबाजी करते रहते हैं। रेनू, उसका अंकल। हाँ, ये दोनों मिलेंगे कहाँ? अरे भतीजी, तुम ये जो दिन भर जुगाली करती हो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो तोप चलाती हो ना, इससे किसी दिन मेरा हार्ट फेल हो ही जाएगा। नहीं 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 नहीं, बेकार बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई नई स्कीम सोचो अंकल। ये पेपर मैं मौसम का हाल मालूम करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, एक आइडिया निकाल रहा हूँ। आइडिया, जरा एक मिनट। अंकल भाग। क्या भाग के? अरे बाप रे, हो रहा है? नहीं तू उधर से। खबरदार भागने की कोशिश की तो है? अरे भागने का दम किसमें बचा है भाई, जो कोशिश करेगा। पैसा निकाले। पैसे? 30,000, पूरे 30,000। 30,000? कैसे 30,000? अभी भी होशियारी है? अबे एक हाथ दूंगा सभी याद आ जाएगा, समझे? देखो, टच करने की बात नहीं है। हाँ, गाली देना है तो दे सकते हो। अबे पैसा निकाल। चल, देखो मैं कहता हूँ छोड़ दो कॉलर, एक बार मेरा सर फिर गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। पैसा अभी मिल जाएगा। निकल निकल। अंकल, ये पार्टी जरा टेढ़ ही लगती है, काहे को झंझट में पड़ना, दे दो ना पैसे। तुम ठीक कहती हो भतीजी, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनको हमसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। कोई बात नहीं, दे देते। ये लो पूरे 25,000। 25? हाँ, बाकी ये 5,000 वो हम खा गए। इधर आ। देखो देखो देखो, तुम फिर टच कर रहा है, दूर से बात करो। जोक विथ माउथ नॉट विथ हैंड। ये दूंगा अभी, खींच के। देखो हीरो, अभी अपने पास 5,000 है नहीं, जिस दिन होंगे वो जिंदा देंगे। ये शराफत का राग किसी और को सुनाना, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं मिस रेनू। जानते तो हम भी आपको बहुत अच्छी तरह से हैं मिस्टर रवि। हा? हमें आप दोनों के सारे चक्कर पता है। यही तो मैं भी बोल रहा था, आपस में झगड़ा करने से क्या फायदा, आखिर को हम पंछी एक डाल के आपस में मिलजुल कर दाना दुनका चुन लिया करें। एक आइडिया है अपने पास बहुत तगड़ा, अगर शूट करता हो तो। नहीं 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 नहीं, अरे रखो अपना आइडिया अपने पास, हमें हमारे 5,000 रुपए दे दो। एक मिनट रवि, एक मिनट,
जो लोग हमें दांव दे जाए उनमें कुछ तो दम होगा। नहीं नहीं सुन लेते हैं आइडिया यार। छोड़ यार। अरे मान जा यार। अरे क्यों नखरा करता है? ये देखो आज के अखबार में खबर है कि अगले इतवार को होटल शीश महल में महारानी कमलपुर जोरदार पार्टी दे रही है और सुना है कि उनके गले में जो हार है उसमें लाखों रुपए के हीरे हैं। अगर हम चारों मिल जाए तो 50-50 मंजूर है। लेकिन हमारे 5,000 अलग से। लीजिए ये अभी तक वहीं अटके हुए हैं। अच्छा बाबा तुम्हारे 5,000 अलग से डन। डन डन।